हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें बीटा गामा फंक्शन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज इंटीग्रल कैलकुलस का 27th लेक्चर है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 एक्स ब्रैकेट में है 8 - x³ to the power 1/3 into dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस सबसे पहले हम ये गिवन इंटीग्रल को बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार ये बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो हम वहां पर आसानी से फिर गामा फंक्शन के कुछ फॉर्मूलेज यूज करके इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे में बीटा फंक्शन की कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। इट मींस बीटा फंक्शन का एक डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो देखो, बीटा फंक्शन का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स टू द पावर एम माइनस 1 इंटू 1 - x²n-1 इंटू dx। देखिए, ये है बीटा फंक्शन का डेफिनेशन, यानी बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फार्मूला। और हमें क्या करना है, हमें ये गिवन इंटीग्रल को ये बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। अगर ये फॉर्म में आ जाता है तो आप आसानी से फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए यहां पे देखो इंटीग्रल के बाद में यहां पे x है और यहां पे भी इंटीग्रल के बाद में x है, लेकिन x का पावर m माइनस 1 है जबकि यहां पे x का कोई भी पावर नहीं है। और ये ब्रैकेट के अंदर 8 - x³ है जबकि यहां ब्रैकेट के अंदर 1 - x है, ठीक है। और यहां पे इंटीग्रल भी 0 to 2 है जबकि यहां पे इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 to 1 है। इसका मतलब काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले यहां पे ब्रैकेट सेट कर लेंगे। इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जैसा 1 - x है उस फॉर्म में यहां पे कुछ ला लेंगे। तो एक काम करेंगे, यहां पे जो 8 है वो हम ब्रैकेट के पहले बाहर निकालेंगे। तो देखो, हम यहां पे सबसे पहले गिवन इंटीग्रल लिख लेंगे, देन आफ्टर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। गिवन इंटीग्रल को हम एज अ आई ले लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो लेट आई इक्वल्स टू, ये गिवन इंटीग्रल को एज अ आई लेंगे, दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 एक्स ब्रैकेट में है 8 - x³ और ब्रैकेट का पावर 1/3 इंटू डीएक्स। तो जैसा हमने कहा था, यहां पे 8 को हम बाहर ले लेंगे। तो 8 को जब आप बाहर लेंगे तो 8 - x³ ये जो है ये ऑलरेडी पावर के अंदर, देखो इसका पावर है 1/3। तो जब आप 8 को बाहर लेंगे तो वो पावर के साथ बाहर आएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 एक्स, देखो हमने 8 को यहां पे बाहर लिए है, इंटू 8 और अब इसका पावर रहेगा 1/3, ठीक है। जब आप 8 को बाहर ले रहे हैं, इट मींस इनडायरेक्टली ये ब्रैकेट में से 8 को आपने कॉमन ले रहे हैं। जब आप 8 को कॉमन ले रहे हैं तो यहां पे x³ को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 - x³/8 to the power 1/3 इंटू dx। देखिए, इस तरह से हमने 8 को ब्रैकेट के बाहर निकाल लिए, ठीक है। और यहां पे 8 का पावर 1/3 है। 8 का पावर 1/3 मतलब क्या, 1/3 मतलब क्यूब रूट, क्योंकि अंडर रूट यानी पावर होता है 1/2 और क्यूब रूट यानी पावर होता है 1/3, ठीक है। तो यहां पे 8 का पावर 1/3 है, इसका मतलब 8 का क्यूब रूट। तो अगर आप 8 का क्यूब रूट करेंगे, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली ऐसा, देखो 3√8, इसका मतलब ये है 8 to the power 1/3 यानी ही क्यूब रूट ऑफ 8, और ये क्या होता है, ये 2 होता है। इसका मतलब हम इसके जगह 2 लिख सकते हैं, और ऊपर से ये जो 2 है वो हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहां पे 2 का कोई काम नहीं रहेगा, तो वो हम यहां बाहर ले लेंगे। देखो, हमने बाहर ले लिए, अब ये है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 एक्स, देन ये ब्रैकेट में 1 - x³/8 और ये ब्रैकेट टू द पावर 1/3 इंटू dx। देखिए इस तरह से, ठीक है, हमने क्या किया, 8 का पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 8 वो हो गया 2, वो हमने बाहर ले लिए इस तरह से, ओके। और अब देखिए, ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक काम करते हैं, यहां ब्रैकेट के अंदर है 1 - x, यहां पे x एक ही वेरिएबल है, जबकि यहां के 1 - x³/8 यानी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ऐसा नहीं चलेगा। यहां पे एक काम करते हैं, ये x³/8 को कोई दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर लेते हैं। तो हम यहां पे लिख लेंगे, पुट x³/8 इज इक्वल टू, चलो कोई और वेरिएबल ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल z, ठीक है। x³/8 के जगह यहां पे z पुट कर लो, तो ऐसे में 1 - z ऐसा हो जाएगा, तो वो फॉर्म में हम आसानी से लेके आ सकते हैं। तो x³/8 इज इक्वल टू, हमने z ले रहे, तो यहां पे यहां से x का वैल्यू निकालो। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x³ इज इक्वल टू 8z, ठीक है। और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा यहां पे, जस्ट मिनट x का वैल्यू हो जाएगा यहां पे, x इज इक्वल टू,
देखो जब आप x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहां पे x का पावर 3 था, ठीक है। तो जब आप x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ऐसे में ये राइट हैंड साइड का क्यूब रूट ले लेना है। तो अगर आप ये राइट हैंड साइड का क्यूब रूट लेंगे तो 8 का हो जाएगा 2 और z का हो जाएगा हम यहां लिखेंगे z टू द पावर 1/3 ऐसा। तो फाइनली हमें यहां पे क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। ये है x का वैल्यू, ये देखिए ये है x का वैल्यू क्या है 2z टू द पावर 1/3 और ये एक्स क्यूब बाय 8 के जगह हमें z पुट करना है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और अब इसको डिफरेंशिएट कर लो और dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x का हो जाएगा dx और राइट हैंड साइड में जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तो 2z टू द पावर 1/3 है तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू जेड टू द पावर माइनस 2/3 इंटू dz ऐसा, ठीक है। ये हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिए। ये डिफरेंशिएट करने का, ये डिफरेंशिएट करते समय हमने फार्मूला कौन सा यूज किया, देखो फार्मूला ऐसा है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फार्मूला हमने यूज किया जो कि होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ऐसा होता है। हमने ये फार्मूला यहां पे यूज किया, देखो ये जेड टू द पावर एन के फॉर्म में था, देखो ये जेड टू द पावर एन के फॉर्म में है। तो अगर ये जेड टू द पावर एन के फॉर्म में है तो एन पहले बाहर ले लो यानी 1/3 बाहर आएगा। जब यहां पे 1/3 बाहर आया तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो 2/3 हो गया। और ये पावर 1/3 बाहर लेने के बाद यहां पे पावर 1 से कम करना है यानी n माइनस 1 ऐसा करना है। तो n माइनस 1 करेंगे यानी 1/3 माइनस 1, तो 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 होता है, ठीक है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे दैट इज 1/3 माइनस 1 में जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस 2/3 आता है, ठीक है। तो फाइनली इस तरह से ये हमने डिफरेंशिएट भी कर लिए और ये हमें dx का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। और अब हमें लिमिट यहां पर चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि हम ये पूरा जो इंटीग्रल है वो इन द फॉर्म ऑफ जेड अब रिप्लेस करने वाले हैं। तो यहां पे ये जो लिमिट था वो एक्स का लिमिट था, चलो अब जेड का लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जेड का लिमिट फाइंड आउट करना आसान है, देखो एक्स का लोअर लिमिट क्या था और एक्स का अपर लिमिट क्या था वो यहां पर चेक करो। तो एक्स का लोअर लिमिट 0 और एक्स का अपर लिमिट 2, ठीक है। तो ये जो 0 और 2 है उसको यहां पर पुट करो। देखो जब x का लोअर लिमिट 0 है तो ये जो x का वैल्यू 0 है वो यहां पे पुट करो। अगर आप यहां पे 0 पुट कर लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो z का वैल्यू हो जाएगा 0। तो हम यहां लिख लेंगे z का लोअर लिमिट 0। और अब x का अपर लिमिट 2 है तो x का वैल्यू 2 अगर आप यहां पे पुट कर लेंगे तो 2 क्यूब यानी 8, तो 8/8, तो 8/8 यानी क्या हो जाएगा 1, यानी z का वैल्यू हो जाएगा 1। तो z का अपर लिमिट हमें मिल गया 1। तो फाइनली हमने लिमिट भी यहां पर फाइंड आउट कर लिया है, ये यहां पे z का लोअर लिमिट और ये z का अपर लिमिट। तो फाइनली रिप्लेसमेंट कैसे करना है वो आपको अब समझ में आएगा। देखो अब हम यहां पे पूरी तरह से रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। ये जो गिवन इंटीग्रल था वो पूरा इन द फॉर्म ऑफ x था, हमने अब क्या करना है ये पूरा इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ z लिख लेना है। तो जहां पे x है, देखो जहां पे x है वहां पे आपको ये वैल्यू रिप्लेस करना है। देखो x के जगह आपको ये वैल्यू रिप्लेस करना है z का, ये वैल्यू ये 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 8 है तो एक्स क्यूब बाई 8 के जगह z आएगा, ये वाली वैल्यू आएंगी। और जो dx है dx के जगह ये वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो चलो ये पूरी तरह से हम रिप्लेसमेंट कर लेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये हम यहां लिख लेंगे i इज इक्वल टू, ये 2 पहले बाहर में है तो 2 एज इट इज, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 ऐसा था तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, क्योंकि ये जो लिमिट था ये x का लिमिट था, अब हमने z का नया लिमिट फाइंड आउट कर लिया है। ये z का लोअर लिमिट, ये z का अपर लिमिट, तो ये देखिए लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ओके। और अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल के बाद x है और तो x के जगह x का वैल्यू लिखो। देखो 2z टू द पावर 1/3, तो हम यहां लिख लेंगे 2z टू द पावर 1/3, ये हमने लिख लिए x की वैल्यू। और अब ये ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, तो ये हम ब्रैकेट के अंदर चलते हैं और ये 1 माइनस, जस्ट अ मिनट, 1 माइनस, अब ये देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 8, तो एक्स क्यूब बाई 8 की जगह क्या आएगा z आएगा, तो हम ये लिख लेंगे z और इसका पावर 1/3, ये फिलहाल एज इट इज रहेगा, देखो पावर एज इट इज रहेगा। और अब dx, तो dx के जगह dx का ये वैल्यू पुट करो, तो ये हम लिख लेंगे इंटू 2/3 z टू द पावर माइनस 2/3 इंटू dz। देखो इस तरह से फाइनली पूरा इंटीग्रल हमने इन द फॉर्म ऑफ z लिख लिया है,
तो ये पूरा इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ जेड आने के बाद अब चेक करो, अब क्या ये बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है? तो ये अभी भी बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरी तरह से नहीं आया है। देखो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन ये था, उसमें इंटीग्रल 0 to 1 है, तो यहां पे इंटीग्रल 0 to 1 है, दैट्स फाइन। यहां पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है उस फॉर्म में ये पूरी तरह से नहीं है। एक काम कर लेते हैं, तो पूरी तरह से इसमें कन्वर्ट करने के लिए यहां पे सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले बाहर ले लो। यहां पे अंदर में कांस्टेंट टर्म क्या है, दैट इज 2 है, 2 को बाहर लो। यहां पे 2/3 है, इसको भी बाहर लो। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये 2, ये 2 और ये 2, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8/3, ठीक है। यहां पे जो 3 है वो हमने बाहर ले लिए, और ये 2 × 2 × 2, तो ये हो गया 8/3, ओके। और अब ये रहेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। और अब एक काम करो, यहां पे ये एक z का टर्म है और ये एक z का टर्म है, दोनों z के टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप z के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पावर, यहां पे इसका पावर प्लस में है, इसका पावर माइनस में है, तो इन दोनों में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा 1/3 − 2/3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर 1/3 है, इसका पावर −2/3 है, तो इस तरह से दोनों जेड को हमने मल्टीप्लाई किए, तो पावर फिलहाल सब्सट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि इसके सामने माइनस है, इसीलिए अगर माइनस नहीं होता तो दोनों पावर जो है वो ऐड हुए रहते, ठीक है। और ये जो 1 − z वाला ब्रैकेट है ये एज इट इज रखो, 1 − z^(1/3)·dz, इस तरह से। और अब एक काम करते हैं, इसको यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा 8/3, और अब इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 z^(−1/3) हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप आसानी से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो उसका न्यूमरेटर जस्ट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लिए तो −1/3, और ये ब्रैकेट एज इट इज 1 − z^(1/3)·dz। अब चेक करो, अब ये बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया क्या? तो अभी ये बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरी तरह से नहीं आया, थोड़ा सा बस हमें यहां पे चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करना है, देखो बीटा फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स है, ये पूरा इन द फॉर्म ऑफ जेड है, लेकिन पावर देखो यहां पे पावर मैच नहीं कर रहा है। यहां जो पावर है x^(m−1) और यहां \(n−1) के फॉर्म में है, m−1 n−1, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है, ये m−1 n−1 के फॉर्म में नहीं है, तो वो फॉर्म में हम सेट कर लेंगे। वो फॉर्म में सेट करना काफी आसान है, तो ये हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखो अब ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा 8/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, जस्ट मिनट, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 वो हम पहले लिख लेंगे, देखो। और अब देखिए ये हम ऐसे लिखेंगे z^(-1/3) ये −1/3 है, इसके जगह हम यहां पे लिख लेंगे दैट इज ब्रैकेट में 2/3 − 1, ठीक है, ऐसा इनटू ब्रैकेट 1 − z^(-1), ये हम यहां लिख लेंगे दैट इज 4/3 − 1 −1 × dz। अब देखिए अब ये क्या बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो बिल्कुल ये बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। देखो अब इसको यहां पे दोनों को कंपेयर करके देखो, ये बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन यहां पे जो हमने पावर लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने −1/3 को 2/3 − 1 यहां पे लिखे हैं। 2/3 − 1 अगर आप कर लेंगे, इसमें आप अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो −1/3 आता है। उसी तरह से ये 1/3 को हमने 4/3 − 1 लिखे, अगर आपने 4/3 − 1 को अगर आपने सब्सट्रैक्ट किए, यानी इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, तो आसानी से 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि फाइनली ये जैसा हमने कहा था, ये गिवन इंटीग्रल को बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए ये बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ जेड लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इन द फॉर्म ऑफ एक्स था, तो जरूरी नहीं है कि इसको इन द फॉर्म ऑफ एक्स इसको सेट करें, आप इसको कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में सेट कर सकते हैं। तो हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ जेड लिख लिया, और अब इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसके जगह अब आप लिख सकते हैं बीटा फंक्शन ऑफ mn। देखो अगर इंटीग्रल एक्स ब्रैकेट और dx ये फॉर्म में अगर है, तो बीटा फंक्शन ऑफ mn ऐसा लिख सकते हैं, यहां से m का वैल्यू मिलता है और यहां से n का वैल्यू मिलता है, तो यहां पे m और n का वैल्यू क्या है, तो ये देखिए ये m का वैल्यू है क्या है 2/3, और यहां पे n का वैल्यू है क्या है 4/3। इसका मतलब हम ये पूरे इंटीग्रल के जगह बीटा फंक्शन ऑफ 2/3 / 4/3 ऐसा लिख सकते हैं, ओके, बीटा फंक्शन ऑफ 2/3 / 4/3 यानी ही बीटा फंक्शन ऑफ mn। तो चलो हम ये लिख लेंगे i = 2, ठीक है, ये 8/3 एज इट इज लिखो, तो हम लिख लेंगे 8/3, और अब जैसा हमने कहा ये इंटीग्रल के जगह हम बीटा फंक्शन लिख सकते हैं, तो ये हम लिखेंगे बीटा फंक्शन ऑफ क्या होगा 2/3, 4/3। देखो ये हमने फाइनली बीटा फंक्शन का डेफिनेशन यहां अप्लाई कर लिया, जैसा हमने कहा था ये जो 2/3 है ये m का वैल्यू है, और ये जो 4/3 है ये n का वैल्यू है, तो बस हमने इसी का यूज किया है, ठीक है, बीटा फंक्शन ऑफ m और n। तो बीटा फंक्शन ऑफ mn के फॉर्म में हमने यहां लिख लिए, और अब
एक बार ये बीटा फंक्शन के फॉर्म में आ गया और तो अब यहां पे हम बीटा गामा फंक्शन का डेफिनेशन यहां पे यूज कर सकते हैं। बीटा गामा फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, चलो यहां पे हम लिख के देते हैं, यानी बीटा फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ गामा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये है स्टैंडर्ड, जस्ट अ मिनट, ये हम आपको दूसरे पेन से लिख के देते हैं। तो ये हम यहां लिख लेंगे, दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इज इक्वल टू, ये होता है गामा फंक्शन ऑफ एम इंटू गामा फंक्शन ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ एम प्लस एन। देखो ये होता है बीटा गामा फंक्शन के बीच में, यानी बीटा और गामा के बीच में जो रिलेशन है वो आपको इससे मिलता है। तो इसका हम अब यहां पे यूज करने वाले हैं, इसका मतलब बीटा फंक्शन ऑफ एम एन को गामा फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एम का वैल्यू, ये एन का वैल्यू, तो चलो अब इसको लिखेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 8/3 बाहर में है तो उसको बाहर ही रहने दो। तो इसको हम ये फॉर्म में लिख लेंगे, तो इनटू ये हम यहां लिख लेंगे, दैट इज गामा फंक्शन ऑफ 2/3 इनटू गामा फंक्शन ऑफ 4/3, ठीक है। और अब डिनोमिनेटर में गामा फंक्शन ऑफ 2/3 प्लस 4/3, इस तरह से ये हम यहां पे गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बीच में जो स्टैंडर्ड रिलेशन होता है उसका हम यहां पे यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये देखिए, गामा फंक्शन ऑफ एम इंटू गामा फंक्शन ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ एम प्लस एन, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पे फॉर्मूला यूज किया है। और अब बस इसको सॉल्व करो, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर ये आसानी से, ये देखो दोनों का डिनोमिनेटर यहां पे 3 और 3 सेम है, इसका मतलब न्यूमिनेटर में यहां पे एडिशन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दैट इज 6/3 और 6/3 यानी 2 हो जाएगा। तो ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो आगे का हम यहां पे सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल नेक्स्ट स्टेप हम यहां लिख रहे हैं 8/3 बाहर में है और अब इंटू गामा फंक्शन ऑफ 2/3 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 4/3। अगले स्टेप में हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ 2, ये सिर्फ 2 रहेगा क्योंकि 6/3 यानी 2, तो इस तरह से। और अब इसके आगे का हम यहां पे सॉल्व करेंगे, तो ये हम यहां लिखेंगे आई इक्वल्स टू, तो 8/3 सबसे पहले बाहर में है तो 8/3 बाहर रखो। और अब देखो न्यूमरेटर में हम यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं, न्यूमरेटर में गामा फंक्शन ऑफ 2/3 ये फिलहाल एज इट इज रखो, लेकिन गामा फंक्शन ऑफ 4/3 के जगह हम यहां पे लिख सकते हैं गामा फंक्शन ऑफ 4/3 यानी क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1/3 + 1। तो हम यहां पे 1/3 + 1 ये फॉर्म में हम यहां लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय यहां पे गामा फंक्शन ऑफ 2 है, 2 गामा फंक्शन ऑफ 2 यानी 1 फैक्टोरियल। तो ये देखिए यहां पे हम एक काम करते हैं, अगले स्टेप में वो लिखते हैं, ये हम लिखेंगे 1 + 1 ऐसा, ठीक है। देखो गामा फंक्शन ऑफ 2 है तो गामा फंक्शन ऑफ 2 को हमने 1 + 1 लिखे, ऐसा क्यों, तो यहां पे हमने फार्मूला यूज करना है। देखो फार्मूला कुछ ऐसा है, फार्मूला हम ये यूज करने वाले हैं, गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन यानी दैट इज एन फैक्टोरियल, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें यहां पे यूज करना है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को 1 + 1 ऐसा लिखे। देखो गामा फंक्शन ऑफ 2 है तो गामा फंक्शन ऑफ 2 की जगह हमने गामा फंक्शन ऑफ 1 + 1 लिखे, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस 1 के फॉर्म में हमने ये सेट कर लिए। इससे आप एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी ही ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल यानी डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, ओके। और ये न्यूमरेटर में हमने यहां पे 4/3 था तो 4/3 को हमने 1/3 + 1 ऐसा लिखे, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे एक और फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं, फार्मूला ऐसा है, दैट इज गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस 1 ये होता है n गामा फंक्शन ऑफ n ये होता है। तो ये फार्मूले जो है ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, गामा फंक्शन के स्टैंड हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में गामा फंक्शन में यूज होने वाले सभी फार्मूलेस बताए थे, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलो ये देखो न्यूमरेटर में हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे और डिनोमिनेटर में हम ये फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज i इक्वल्स टू न्यूमरेटर में 8/3 और अब न्यूमरेटर में ये पहला जो 2/3 है वो एज इट इज रखो, कोई दिक्कत नहीं है, गामा फंक्शन ऑफ 2/3। और अब इसके जगह हम लिख सकते हैं दैट इज 1/3 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/3, ऐसा हम लिख लेंगे, ठीक है, इसको ऐसा लिख लेंगे। और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा दैट इज 1 फैक्टोरियल, क्योंकि गामा फंक्शन ऑफ 1 + 1 यानी एन प्लस 1 के फॉर्म में है तो एन फैक्टोरियल, तो ये 1 फैक्टोरियल यानी इनडायरेक्टली यहां हो जाएगा 1, ठीक है। और यहां इंपॉर्टेंट स्टेप ये था, दैट इज गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस 1, तो उसको एन गामा फंक्शन ऑफ एन ऐसा लिखना है, तो ये 1/3 + 1, तो ये गामा, तो ये 1/3 गामा फंक्शन ऑफ 1/3। और अब ये 1/3 को बाहर ले लो, तो 1/3 को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 8/9, ठीक है, ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर का, तो वो हमने लिख लिए 8/9। और ये गामा फंक्शन ऑफ 1/3 पहला वाला वो ये हम एज इट इज लिख लेंगे, गामा फंक्शन ऑफ 1/3, देखो ये हमने यहां लिख लिया। और ये जो गामा फंक्शन ऑफ 2/3 है वो यहां लिख लो, ठीक है, और डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, वो अब लिखने की जरूरत नहीं है। देखो फिलहाल हमने यहां तक सॉल्व किया है, ये समझ लो,
काफी सिंपल था, ये 1 बाय 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, ये 1 बाय 3 यहां लिख लिए और ये 2 बाय 3 को यहां लिख लिए। अब एक काम करो, ये 2 बाय 3 को 1 माइनस एन के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 8 बाय 9 गामा फंक्शन ऑफ 1 बाय 3, और अब ये जैसा हमने कहा ये 2 बाय 3 को 1 माइनस एन के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 3, क्योंकि 2 बाय 3 यानी 1 माइनस 1 बाय 3 होता है। अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये 2 बाय 3 चाहता है, ठीक है। आप चाहे तो रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बाय 3 को हमने 1 माइनस 1 बाय 3 लिखे, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला यूज होने वाला है। देखो ऐसे में गामा फंक्शन के फार्मूले आपको पता होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फार्मूला ऐसा है, दैट इज गामा फंक्शन ऑफ एन इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1 माइनस एन, इसका फार्मूला यहां पे यूज होने वाला है, जो कि होता है पाई बाय साइन एन पाई, ठीक है, पाई बाय साइन ऑफ एन पाई, ये फार्मूला यहां पे हम यूज कर सकते हैं, और इसीलिए हमने उसको 1 माइनस एन के फॉर्म में सेट किया है, ठीक है। ये गामा फंक्शन ऑफ एन था, उसको हमने गामा फंक्शन ऑफ 1 माइनस एन के फॉर्म में लिख लिए, और ये दोनों गामा फंक्शन में चेक करो एन का वैल्यू सेम है। देखो यहां एन का वैल्यू 1 बाय 3 है, यहां भी एन का वैल्यू 1 बाय 3 है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड यहां पर मिल रहा है, और अब इसके जगह हम यहां पर ये साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो चलो अब इसको साइन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सबसे पहले 8 बाय 9 और अब इनटू इसके जगह हम ये लिख लेंगे पाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एन पाई, एन का वैल्यू क्या है 1 बाय 3 है, तो हम यहां लिख लेंगे 1 बाय 3, यहां एन के जगह 1 बाय 3 आएगा, इनटू पाई है तो वो हो जाएगा पाई बाय 3, ऐसा साइन ऑफ पाई बाय 3। अब आपको साइन पाई बाय 3 क्या होता है वो पता होना चाहिए, तो साइन पाई बाय 3 होता है रूट 3 बाय 2, ठीक है, वो हम यहां लिख के देते हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं, अगर आपके पास कोई नहीं पता होता है कोई फार्मूला, तो तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो। तो ये होता है रूट 3 बाय 2, ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2 होता है। तो ये बस हमें यहां पे रिप्लेस करना है उसको, और देखते हैं फिर इसका सोल्यूशन क्या आता है। तो ये हम लिख लेंगे 8 बाय 9 इंटू पाई, और डिनोमिनेटर में इसके जगह रूट 3 बाय 2, ऐसा, ठीक है। और ये जो 2 है वो फिर न्यूमरेटर में चले जाएगा, जब ये 2 न्यूमरेटर में चले जाएगा तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 16 हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहां पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 16 बाय 9 ऐसा, और इनटू पाई बाय रूट 3 ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो डिनोमिनेटर का 2 है हमने वो ऊपर लिखे गए, तो यह आया 16 बाय 9 इंटू पाई बाय रूट 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप प्रॉपरली सेट कर लेंगे तो ये हम कुछ फाइनल सॉल्यूशन ऐसा लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 16 पाई बाय 9 रूट 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। हमने कुछ सॉल्व नहीं किया यहां पे, बस थोड़ा सा सेट कर लिए, और फाइनली इसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और आगे ये सॉल्व नहीं होता, कोई भी चीज यहां पे कैंसिल नहीं होती। तो ये फाइनल हमें सॉल्यूशन मिल चुका है, गिवन जो इंटीग्रल था उसको हमें इवेल्युएट करना था, तो ये हमने इवेल्युएट करके ये सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बीटा गामा फंक्शन के सभी फार्मूले जहां तक पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये फार्मूले समय पे याद नहीं आती है, और अगर इस टाइप के फार्मूले अगर आपको याद नहीं आई तो फिर आप इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाओगे। इसलिए फार्मूलेज हमेशा अपने नोटबुक में लिख लिया करो, काफी इंपॉर्टेंट होती है, और ये फार्मूलेज हमेशा याद रखा करो। तो ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था बीटा गामा फंक्शन का आज का लेक्चर नंबर 27। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने भी प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।